कादियानों को हैसियत है तो हम बाढ़ में खड़ा होते हैं, ऐसे दलालों को बाढ़ में भी हैसियत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। अच्छा, हमारा दिन खराब हो गया कि हम दलालों के खिलाफ खड़ा होंगे, हम ऐसे पल मरुआ के खिलाफ खड़ा होंगे। अध्यक्ष अपना विचार करेंगे कि हमको दलालों को रखना है या दलालों को साइड करना है। वो व्यक्तिगत आदमी का चमचागिरी करने वाले तहला तलवा सहलाने वाले लोग रहे हैं, दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। और उन्होंने एक बात और कही है कि आनंद सिंह ने मुझे खदेड़ा है, इस बिहार में किसी माँ ऐसा कोई शेरनी नहीं है जो पैदा किया हो बेटा को जो नवल यादव के सामने आंख मिला के और हाथ उठा के बात कर ले। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ तनुज मासूम। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से बीते दिनों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि MLC की क्या औकात होती है, MLC की औकात पर सवालिया निशान और अभद्र टिप्पणी करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पाए गए थे। उस पर आज नवल किशोर यादव जो कि MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के ही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बारे में कह दिया है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पीक दान ढोने वाले व्यक्ति हैं, उनको उनकी हैसियत नहीं है कि वो MLC के ऊपर छींटा कसी कर सके, उन्हें थुक चटवा तक कह दिया है नवल किशोर यादव ने। और यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुलझे हुए व्यक्तियों को मंत्री बनाते हैं, इसीलिए जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं उनको मंत्री पद नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री दलालों को मंत्री पद नहीं देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव वो सुनिए। गर्म हो गई है, ये इल्ज़ाम लग रहा है जब से आपने भी ज्ञान सिंह ज्ञानू पर कहा था, उन्होंने कहा है कि नवल किशोर यादव MLC हैं, जो भी हैं, इतनी हैसियत उन लोगों की नहीं हो गई है बोलने की। ज्ञानू जी किसी की हैसियत के बारे में चरित्र ना लिखें, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपने हैसियत में बात करें। और हैसियत वाले आदमी का दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। और ज्ञानू जी का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं बुद्धिजीवियों के बल पर मैं जीत के आता हूँ। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं किसी का तलवा सहलाने वाला नहीं हूँ, किसी का पीतदानी उठाने वाला नहीं हूँ और किसी के सामने दांत निपोड़ के और हाथ पसार के भीख मांगने वाले नहीं हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को जानते हैं, उनको होशो हवास में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज्ञानू जी क्या कहते हैं, और ज्ञानू जी ऐसे ऐसे लोगों को, दलाल लोगों को नवल यादव नोटिस नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नोटिस नहीं लेता। शराब माफिया से आपके नाम जोड़ने के बाद कह रहे हैं, बोला है कि शराब माफियाओं से आपके साठगांठ है। आपने जमीन कब्जा किया? मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं आज तक जीवन में न मांस खाया, न अंडा खाया, न मछली खाया, न शराब पिया। शराब माफिया उनके कह देने से उस चरित्र नहीं लिखते हैं कि कोई शराब माफिया हो जाएगा, और उनके कहने से कि कोई जमीन दखल करता है। हमको अपना जो जमीन है वो 7 पुश्तों के लिए काफ़ी है। मैं कोई आनंदपुरी से आज जो यहाँ चोरी के गाड़ी पर घूम रहे हैं, मैं कोई चोरी के गाड़ी पर और किरायेदार के रूप में रहने वाले आदमी आज जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ से ले कर पूरे घर तक का मैं इतिहास जानता हूँ। और उन्होंने एक बात और कही है कि आनंद सिंह ने मुझे खदेड़ा है, इस बिहार में किसी माँ ऐसा कोई शेरनी नहीं है जो पैदा किया हो बेटा को जो नवल यादव के सामने आंख मिला के और हाथ उठा के बात कर ले। ज्ञानू ऐसा, हम पलमरुआ नहीं हैं, हम दलाल नहीं हैं। ये सूत के कमाने वाले और बैठ के खाने वाले लोग नवल यादव के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई प्रहार नहीं करते। मैंने तो इसलिए कहा था कि आप जो कहते हैं कि नीतीश कुमार बेहतर हैं, सुशील मोदी बेहतर हैं, आपको नीतीश कुमार ने वही टिकट दिया था जो लवली आनंद ने थूक दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। वो थूका हुआ टिकट आपको नीतीश जी ने दिया था, आप नीतीश जी के साथ थे, आप नीतीश जी को झटका देके, आपने धोखा देके, और आप चले गए जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनने के फेरा में आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नवल यादव को कोई यह नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी न आपको नीतीश जी ने मंत्री बनाया न किसी ने मंत्री बनाया, चूंकि नीतीश जी भी जानते थे कि आप विश्वासघाती हैं, आपका पेट में दर्द है, आप हल्के लोग हैं, आप दलाली करने वाले लोग हैं। और कोई भी सरकार दलालों को मंत्री नहीं बनाता है, वह स्वच्छंद आदमी को बनाता है। नीतीश जी ने क्यों नहीं बना दिया था आपको? आपकी पार्टी में ही इतनी विरोध,
एमएलसी को बोल रहा है, एमएलसी एमएलए को बोल रहा है, क्या पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं है क्या? पार्टी में पूरा कंट्रोल है, पार्टी के मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, पार्टी में हमारे प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ और देश के नेतृत्व के खिलाफ ये संगठन की पार्टी है, जो बोलेगा उसका हमारी प्रतिवाद, हमारी पार्टी प्रतिवाद करती है और मैं पार्टी की तरफ से प्रतिवाद करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो मंत्री बनने के लिए बेचैन है, जिनका अपना चरित्र नहीं है, जो दलाली करते हैं और मंत्रियों को, भाजपा के मंत्रियों को वो चोर कहते हैं, रिश्वतखोर कहते हैं, निश्चित रूप से पार्टी इसको संज्ञान लेगी। वो साफ साफ कह रहा है कि क्या बीजेपी के पास निलंबित करना चाहिए। संजय जायसवाल के चेहरे पर भी सवाल खड़ा किया है कि बिहार प्रदेश नेतृत्व ठीक हाथों में नहीं है। संजय जायसवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। संजय जायसवाल जी सक्षम आदमी है और पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया है, जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और नेतृत्व के प्रति इतना सक्षम है कि असल में दिक्कत ज्ञानू जी को यह है कि ये पार्टी संगठन का है, वह व्यक्तिगत आदमी का चमचागिरी करने वाले, तहला तलवा सहलाने वाले लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक आदमी की पार्टी है नहीं। और संजय जायसवाल तलवा सहलाने किसी को देते नहीं हैं, पीतदानी उठाने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए छनछनाहट है कि यहाँ तो किसी का हम तलवा सहला नहीं सकते हैं, किसी का दलाली कर नहीं सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संजय जायसवाल के खिलाफ बोलते हैं। कहा कि जिस तरफ सत्ता रहती है आप उस तरफ रहते हैं, अगर कब होंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप आरजेडी में चले जाएंगे। उनको कम ज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। मैं कभी किसी पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ। लालू यादव जी ने मुझे नरेंद्र मोदी जी के यह कहने पर कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मैं आरजेडी में था 3 टर्म, लोकप्रिय हैं और हैदराबाद के मीटिंग में इसीलिए इतनी नौजवानों की भीड़ हुई है, लालू यादव ने शोकॉज किया, मैंने जवाब दिया और पार्टी से निकाला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं किसी के पीठ में छुरा भोंक के मैं नहीं जाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में साफ साफ बोला था और इस देश का पहला विधायक हम थे जिसको पार्टी से निलंबित किया गया था और मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्वीकार किया था। भारतीय जनता पास वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है ना, ज्ञानू के वोट से, ज्ञानू को हैसियत है तो हम बाढ़ में खड़ा होते हैं, ऐसे दलालों को बाढ़ में भी हैसियत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हम किसी के वोट पर जीत के नहीं आते हैं, हमारा पार्टी है और हमारा वोट है। उनके खिलाफ खड़ा होंगे जिनके, अच्छा हमारा दिन खराब हो गया कि हम दलालों के खिलाफ खड़ा होंगे? अच्छा भाजपा, हम ऐसे पल मरुआ के खिलाफ खड़ा होंगे? हमको खड़ा होना हो तो हम बिना खड़े होले आ रहे हैं क्या? हम खड़ा होके आते हैं और 3 जिला का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आपने शिकायत की क्योंकि बीजेपी में केंद्रीय स्तर से सब कुछ तय होता है, पहली बार देखा जा रहा है कि 2 भाजपा के नेता ऐसे लड़ रहे हैं। उसमें लड़ने का कोई सवाल नहीं, जो भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाएगा, जो छींटाकशी करेगा उस पर कार्रवाई होगी और उसका प्रतिवाद होगा। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप ज्ञानू ने लगाए थे, उसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व के साथ आपके ऊपर, क्या उन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए? भाजपा की खराब हो रही है। ये जो निर्णय है किसको पार्टी में रखना है, किसको निकाल देना है, ये नेतृत्व का काम है। हम किसी के पावर को और किसी के अधिकार को हम चुनौती नहीं दे सकते, इनक्रोच नहीं करते हैं। अध्यक्ष अपना विचार करेंगे कि हमको दलालों को रखना है या दलालों को साइड करना है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।